कुछ भी बचा नहीं कहने को, हर बात हो गई, आओ कहीं शराब पिए, रात हो गई। दोस्तों शराब तो हम पी लेंगे, उसके बाद लगने वाली बीमारियों को भी सह लेंगे, क्या करें ढीठ इतने हैं कि जबरदस्ती पी लेंगे। वेल दारू का नशा ही कुछ ऐसा है, बात हुई नहीं कि जुबा शायराना हो गई। वैसे शेरो शायरी की इस दुनिया से बाहर निकल, आइए आपको लेकर चलते हैं कारखाने के इस जहान में, और इस बार बनती दिखाते हैं आप सबकी फेवरेट ये स्कॉच विस्की, जिसे देखते ही आपके अंदर के कीड़े जाग उठते हैं। इसे पीने के लिए आप बेताब हो जाते हैं, और फिर तो कहने ही क्या, शराब के साथ कबाब का ये सफर रुकने का नाम ही नहीं लेता। वेल दोस्तों, इस अतरंगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है विस्की के सबसे अहम इंग्रेडिएंट अनाज से। अब यहाँ कौन सा अनाज इस्तेमाल किया जाएगा, ये बात डिपेंड करती है विस्की की उस किस्म पर जिसे कि हम बनाने जा रहे हैं। अगर हम माल्टेड विस्की बना रहे हैं तो पूर्ण रूप से बार्ली यानी जौ का इस्तेमाल किया जाएगा। अदरवाइज बाबन विस्की के लिए जौ के साथ आधी मात्रा में मकई का इस्तेमाल भी किया जाता है। विस्की बनाने के इस सफर की शुरुआत होती है स्टेप 1 सिलेक्शन से। इस कड़ी में सबसे पहले उन चुनिंदा क्वालिटी की रॉ मटेरियल्स का चुनाव किया जाता है जिसे कि हम अपनी इस विस्की को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसे में हाई क्वालिटी ग्रेन्स जिन्हें कि इन खेतों से सोर्स किया जाता है एवं बेहद उच्च कोटि के शुद्ध और प्राकृतिक जल को भी मंगवाया जाता है जिसमें कि हमारा ये बेस ब्लेंड बनकर तैयार होगा। इन तमाम चीजों के चुनाव के बाद बारी आती है स्टेप 2 की, जिसमें माल्टिंग प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। इस कड़ी में सबसे पहले सारे अनाज को पानी से भरे एक टैंक में डुबाया जाता है, जहां कुछ घंटों तक भीगने के बाद इन्हें उससे बाहर निकाल फिर एक बार पानी की दूसरी खेप में सोक किया जाता है। ऐसा करने से इन अनाजों का केमिकल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। अनाज के ये भीगे दाने जल्द ही सेल्यूलोज रिलीज करना शुरू कर देते हैं। हालांकि सोकिंग के कुछ घंटों के बाद इन्हें टैंक से बाहर निकाल कर इस खुले हॉल में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। मगर ड्राइंग की ये कार्रवाई काफी नहीं होती कि स्टेप 3 में इसकी मुलाकात होती है कोल स्मोक से। जी हाँ, विस्की में एक स्मोकी टेस्ट देने के लिए इन ग्रेन्स को कोकवुड के धुएं से भी गुजारा जाता है। ऐसा करने से ये अनाज धुएं को अपने भीतर सोख कर एक स्मोकी फ्लेवर ले लेता है। ये स्टेप हमारी शराब के स्वाद को निर्धारित करने के लिए बेहद ही जरूरी होता है, इसलिए इसे खास तौर पर बेहद ही सावधानी और एहतियात के साथ अंजाम दिया जाता है। खैर, इतना कर लेने के बाद अब मौका है स्टेप 4 का, जिसे हम मिलिंग के नाम से जानते हैं। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस प्रोसेस में हमारे इस अनाज को इन मिलर्स में डालकर पीसा जाएगा। यहाँ इन अनाजों की पिसाई में भी खासकर एक पेंच होता है, और वो ये कि इन अनाजों को 70, 20 और 10 के अनुपात में पीसा जाता है। माने 70% मोटे अनाज को दरदरा, 20% मजले अनाज को बारीक और शेष 10% अनाज को बेहद ही महीन पाउडर के रूप में पीस लिया जाता है, जिसके बाद पिसे हुए सारे अनाज को इस ग्रास्टिंग टैंक में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां इनकी मुलाकात होती है पानी की इन बौछारों से, जिसमें लिपट कर ये अनाज पूरी तरह से घुल जाता है और पेश होता है ये ग्रास्ट सॉल्यूशन, जो कि हमारी विस्की का एक्चुअल ब्लेज ब्लेंड बनता है। इस ब्लेंड को अब इसकी यात्रा के एक बेहद महत्वपूर्ण चरण स्टेप 5 यानी फर्मेंटेशन से गुजारा जाता है। इस कड़ी में इसमें यीस्ट यानी खमीर का एडिशन किया जाता है। ये वही चीज होती है जो आटे के इस मामूली डो को इन शानदार ब्रेड्स में तब्दील कर देता है। खैर, अब इसे अगले एक हफ्ते तक यूं ही पड़े रहने दिया जाता है। इस दौरान इन टैंक्स का टेम्परेचर 65 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच मेंटेन रखा जाता है, जिसके चलते जल्द ही ये फर्मेंट होकर सड़ने लगता है। अरे घबराइए नहीं, हमारी दारू खराब नहीं हुई है, बल्कि इसे बनाने का तरीका ही यही है। एनीवेज, फिलहाल जो झाग आप इस लिक्विड के ऊपर देख रहे हैं, ये इसमें होने वाले केमिकल लोचो और उससे निकली गैसों के कारण बने हैं। आइए अब इस फर्मेंटेड लिक्विड को बाहर निकालते हैं और इससे एक्चुअल दारू को बनाने की ये प्रक्रिया अंजाम देते हैं। ऐसे में सबसे पहले हमें इस लिक्विड को इन कॉपर फनल से गुजारकर फिल्टर करना होगा। अगर हमने इस प्रोसेस को स्किप करके सीधा ही ये रॉ अल्कोहल पी लिया
तो समझ लीजिए बस राम नाम सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये फिलहाल जहर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको नशे देने वाले एथेनॉल के साथ साथ इसमें जानलेवा मेथनॉल भी मिला हुआ है, जिसे अलग करने के लिए इस डिस्टिलेशन प्रोसेस को परफॉर्म किया जाएगा, जिसके चलते सारा अल्कोहल बॉइल होकर इन फ्लास्क में उतर आएगा और जहरीला मेथनॉल नीचे ही छटकर रह जाएगा। आखिर में इस अल्कोहल की जांच की जाएगी। दरअसल ये देखा जाएगा कि क्या वास्तव में इस सॉल्यूशन में अलाउड लिमिट यानी 42% के बराबर ही अल्कोहल है या नहीं, और अंततः इन्हें ओकवुड से बने इन बैरल्स में सील कर अगले 10 सालों तक एज होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। 10 सालों बाद जब ये सील खुलेगी तो इससे वो दारू छलकेगी जिसके आप मजे लेते हैं, मगर इसे यूं ही तो आप तक नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए इसे इन कांच की बोतलों में भर बड़े ही प्यार से सील करके आप तक पहुंचाया जाता है, जो बाद में आपके हाथों तक जा पहुंचती है और आपकी पार्टी की आन बान और शान बन जाती है। वैसे हमारी इस वीडियो को केवल और केवल ज्ञान के लिए ही लेना, लेकिन अगर आपने अपने लीवर को फेल करने और किडनियों को जलाने का फैसला कर ही लिया है तो जमकर पियो, क्योंकि कल हो या परसों मरना तो सबको है, तो जल्दी क्यों ना मरे, कल ही क्यों ना मरे, समझदार को महज इशारा ही काफी होता है। तो दोस्तों, आज का ये फैक्ट्री सफर केवल यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये पेशकश जरूर पसंद आई होगी, और अगर वाकई ऐसा है तो एक लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। बाकी अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आप रोज ऐसी ही मजेदार वीडियो से लुत्फंदोज होते रहेंगे। बाकी आज का ये सफर केवल यहीं तक, कल फिर मुलाकात होगी एक और धांसू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।